मसला ये है कि मेरे पास दुकान कोई नहीं है, खाली 1 फुट की जगह है, उसी में अपना माल बेचता हूँ। यकीन नहीं है तो आप मौके पर आ जाए, देखिए, दैट इज ऑल। और क्या है लेकिन मेयर ने तो कहा है कि आपकी दुकान वहां पर है भाई, आप मौके पर आ जाए, अभी मैं भी वहीं जा रहा हूँ, मैं दिखाऊंगा अपने सामने उधर है क्या मेरे लिए। खाली 1 फुट जगह है इतनी, अगर उससे ज्यादा होगा मेरी गर्दन काटिए, और क्या कर सकता हूँ। कहाँ पर है आपकी दुकान? ये हुजूरी बाग के सामने है, बाकी है मेरे भाइयों के पास। ये मेरी बदकिस्मती, मेरे पास बेटियां हैं, वो चाहते हैं ये कब मर जाए, ये फूड भी इसको खा लेंगे, दैट इज ऑल। और क्या यकीन नहीं है तो आप मौके पर आ जाए, देखिए, सच और झूठ का फैसला वहां ही हो जाएगा। तो ये कौन चाहते हैं कि आप मर जाए? तो ये तो भाई मेरे हैं, उनके उनके पास सिर्फ बेटियां बेटे हैं, मेरे पास खाली बेटियां 2 हैं, उनको ही पढ़ाता हूँ इस गरीबी में। एक को तो पढ़ा है, शायद वो डॉक्टर है, दूसरी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, घर में बैठी है। अब जब तक उसको मैं उसका खाना नहीं दे दूंगा क्या, फिर अगर वैसा नहीं करूंगा फिर यही लड़कियां गलत काम करती है। तो कब से आप वहां पर? 20 साल से मैं वहां पटरी पर रहा हूँ, और बाजार कमेटी ने भी फैसला किया 20 साल पहले, वो कागज भी मेरे पास है। अब आप ही बताएं मैं क्या करूं। तो और ये सड़क से कम 10 फुट अंदर है, ये कोई सड़क पर नहीं है, आप यकीन आए तो आप देखिए वहां। तो वो तो गलत है, ये तो मैं कह, क्योंकि दुकान के आगे मैंने 4-5 फुट का निकाला था, वो मैं जानता हूँ, लेकिन अगर मैं वो नहीं करूं मैं क्या खाऊं। तो उसके लिए अगर देखा जाए, आप खुद एक्सेप्ट करते हैं कि इलीगल आपने किया, ये गलत है, मैं मानता हूँ। सामान आपसे लिया गया था, वो वापस किया गया आपको? नहीं, वो अभी दे देंगे, उन्हें बोला हम दे देंगे। अगेंस्ट तो किसी के भी नहीं, गवर्नमेंट जो करती है वो भी अच्छा करती है, लेकिन मैं गरीब आदमी हूँ, आप ही बताएं मैं क्या करूँ। या तो मुझे घर बैठना है, फिर मैं क्या करूँ क्या, अगर मेरे पास और कोई सलावत होता मैं, या तो मुझे मजदूरी पर निकलना है। लेकिन ऐसा मुझे अपना मालूम है कि मेरे पास खाली 1 फुट जगह है वहाँ पर, जिससे मैं अपना रोजी चलाता हूँ। यकीन नहीं है, मौके पर आइए, शटर उठाइए, देखिए उधर क्या है, सामने आपको बात है। सच और झूठ का फैसला वहीं चलेगा, झूठ बोलता हूँ जो सजा होगी वो दीजिए, सच होगा फिर वो कीजिए, ताकि ये बिल्डिंग वहाँ बन जाए और मेरा भी रोजगार चलेगा। यानी आपके कहने का मतलब है कि मेयर साहब गलत कह रहे हैं? नहीं, वो बात मुझे नहीं पता, मेयर साहब ने क्या, ना मैंने सुना। जी, आपकी दुकान वहाँ पर है? नहीं, दुकान है ही नहीं, आप देखिए मौके पर, मैं क्यों झूठ बोलूँ। आप मौके पर आ जाइए, जिसको देखना है मैं अभी वहाँ दिखाऊंगा उधर है क्या। आप फीता उठा कर उसके माफी, अगर एक नाज़रीन को बताइए। दोस्तों, क्या आपको पता है कि आपकी वजह से हम जरूरतमंद और यतीम बच्चों की मदद करते हैं? बिल्कुल ऐसा हो रहा है पिछले 1 साल से, और अगर आप जानना चाहते हैं कि ये कैसे हो रहा है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक कीजिए और जानिए कि हम लोग आपकी वजह से कैसे जरूरतमंद और यतीम बच्चों की मदद करते हैं।